लगेंगे। कौन सा इलाका है, कितने एकड़ जमीन है, कब से कार्रवाई शुरू हुई है और अब तक की क्या? ये जो है मांडकी का इलाका है और ये दरगाह हजरत नूरुल हुदा साहब का इनाम है। ये तीन इनाम है, तीन गट में है और ये टोटल 87 एकड़ ज़मीन है। इस पर जो है लैंड माफिया ने प्लाटिंग करके ये लोगों को बेच दिए है गैर कानूनी तरीके से। इनके खिलाफ़ हमने FIR भी किया है, लोग साथ साथ मैंने जेल में भी जाकर आए हैं और वो मैटर अभी हमारा चालू है। इसके अलावा हमने जो अतिक्रमण हुआ है ये आज खाली करने के लिए सिडको को फीस भरी है, सिडको का पूरा अमला आया है। इसके अलावा पुलिस बंदोबस्त की फीस भरी है, पुलिस बंदोबस्त लेकर ये अतिक्रमण निष्कासित कर रहे हैं साहब। कितने एकड़ में आप ये अतिक्रमण हटा? ये टोटल लैंड बहुत है लेकिन इसमें से तकरीबन 10 एकड़ में अतिक्रमण है। ये जो बड़े बड़े गोडाउन वगैरह बन गए हैं ये टोटल ज़मीन दोस्त कर दी है हमने। क्या अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को नोटिस वगैरह दी गई थी? नहीं, अतिक्रमण धारक को नोटिस देने के लिए तो फिर कानूनी पेचीदगी आती है, वो कोर्ट में भाग जाते हैं। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल और लीगली तरीके से काम किए हैं हम। ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से, सॉरी दूसरी मर्तबा देखने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसे इस तरह की कार्रवाई? ये देखिए साहब, हमारे मिनिस्टर साहब अली जनाब नवाब मलिक साहब, उसके अलावा बोर्ड चेयरमैन साहब मिर्ज़ा वशाद बेग साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहब और दिगर मोड मेम्बरान और हमारे CEO साहब काफ़ी ताउन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हम ऐसे केसेस में हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह जहां पर भी इस तरीके से हरकत होंगी हम ज़रूर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो प्लॉटिंग भी निकाली गई थी इसमें? प्लॉटिंग भी नहीं, उसके खिलाफ तो FIR करे हैं साहब हमने, पूरा प्लॉटिंग का नक्शा वगैरह चिकल थाना पुलिस स्टेशन में दाखिल करके 15-16 जनों पे FIR किए हैं और आइंदा भी करेंगे अगर कोई इसी हरकत किया तो। सर पैठन में भी ऐसा ही मामला सामने आया, उस पर अभी तक FIR नहीं है? पैठन में ऑलरेडी FIR हो चुकी है, मैं खुद किया हूँ। अरेस्ट नहीं हुए ना वो लोग? वो न्यायिक मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ। सर फैज है, मैं डिस्ट्रिक्ट पब ऑफिसर औरंगाबाद और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस तरीके से आप जो है भू माफियाओं को पैसे दे के जगह वगैरह ना खरीदे, अपने मेहनत का पैसा इस तरीके से नुकसान मत कीजिए। अगर आप बाज़ार में एक मुर्गी भी खरीदने जाते हैं तो उसको नीचे ऊपर देखते हैं 10 दफ़ा, ये तो क्लियर है 7-12 है, सब कुछ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्यों खरीद के अपना नुकसान कर रहे हैं आप? औरंगाबाद में अब तक ऐसी ज़मीनें कितनी जगह हुई है और कितनी जगह इंक्रोचमेंट हुआ है? औरंगाबाद में यहाँ पर अभी हमने शुरू कर दिए है, पैठन में FIR करे, इसके अलावा भिड़किन में 10 एकड़ लैंड का पोजीशन लिए, उसके बाद ये एक लिए, इस तरीके से हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हमारे को जनाब बोर्ड मेंबर हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब भी हर दफ़ा रहनुमाई करते हैं और ताकीद करते हैं और हर दफ़ा डायरेक्शन देते हैं। इसी तरह हमारे चेयरमैन साहब वजाद हुसैन साहब भी, उनका भी बहुत ताउन रहता है हमें, और ख़ास तौर से हमारे जो मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब, वो सीधा उनके तो ऑर्डर है कि आप जो है किसी से दबना नहीं दबाना नहीं और जो लीगली काम है वक्फ के ज़मीन के जो भू माफिया है उनको अंदर डालना। देखिए इससे पहले भी जब कहीं वक्फ बोर्ड की कार्रवाई होती थी तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता था, कहीं रखने होते और दुश्वारी आती थी, आज क्या रहा? मैं आज कुछ नहीं है सब, थोड़ी बहुत आई है जिसको पुलिस की मदद से ख़त्म कर दिए।